नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा बजट जो पिछले 100 सालों में ना देखा गया हो फाइनली आ चुका है। तो क्या है इस बजट में एक मिडिल क्लास आम आदमी के लिए, आपके लिए कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी और कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, और इसके अलावा बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए क्या है इस बजट में, आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। वैसे एक चीज जरूर थी इस बजट में दोस्तों, जो पहले कभी नहीं देखी गई। पुराने बजट हमेशा फिजिकल पेपर के फॉर्म में आते थे, किसी ब्रीफकेस या खाते में, लेकिन इस बारी पहली बार बजट एक डिजिटल टैबलेट में आया। इनफैक्ट डिजिटल जो शब्द है वो कीवर्ड रहा पूरी बजट की प्रेजेंटेशन का, बार बार इसे दोहराया गया। लेकिन काम के मुद्दे की बात करें दोस्तों, तो इस बारी सरकार बड़ी सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रही है। COVID-19 क्राइसिस से आया इकोनॉमिक क्रैश, लोगों के धंधे बंद हो गए, ढेर सारे जॉब लॉसेस हुए, और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकार को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। सरकार जो पैसा खर्च करने लग रही है, जनता के हाथ में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या फिर जनता के ऊपर से जो इकोनॉमिक बर्डन है उसे कम करना पड़ेगा ताकि लोग ज्यादा पैसे सेव कर सके। लोग ज्यादा पैसे सेव कर सकेंगे तो लोग ज्यादा पैसे स्पेंड कर सकेंगे, लोग ज्यादा पैसे स्पेंड करेंगे तो ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, और इसी से ही होगा इकोनॉमिक रिवाइवल। इसी रीजन से कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार इनकम टैक्स को इस बारी कम कर देगी, लेकिन क्या किया सरकार ने, आइए देखते हैं। एक सैलरीड आम आदमी के पर्सपेक्टिव से पहली चीज तो यही है कि सरकार कोई बदलाव नहीं लाई है इनकम टैक्स के रेट्स में। एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सरकार ऐसा करेगी, कई लोग चाहते थे कि सरकार ऐसा करे। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है जहां पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अच्छी चीज है कि सरकार ने कोई बदलाव नहीं लाया है इसमें। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हर साल ये रेट्स चेंज किए जाएंगे तो बहुत इनकंसिस्टेंसी होती है, लोगों को समझने के लिए CA हायर करना पड़ता है और ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है। लेकिन इनकम टैक्स के रेट्स को अगर स्टेबल रखा जाएगा, कंसिस्टेंट रखा जाएगा, तो लोग इसे खुद से ज्यादा सीख पाएंगे और कम हेडेक उठाना पड़ेगा लोगों को। दूसरी चीज, 75 इयर्स की एज से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए इन्हें अब कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ना ना, इसका मतलब यह है कि इन्हें खुद से इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करने पड़ेंगे। इनके बैंक जो इन्हें पेंशन देते हैं वो इन्हें पेंशन देंगे टैक्स पहले से ही काट कर। तो बेसिकली कह सकते हो जो झंझट होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, पोटेंशियली कुछ लोगों के लिए काम कम हो जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने खुद से नहीं आते। चौथा, एक नया सेस इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने दोस्तों, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। इसकी वजह से कई चीजें महंगी हो जाएंगी जिन पर यह सेस लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की काफी बात सुनाई पड़ रही थी कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा क्योंकि सरकार 2.5 रुपीस पर लीटर यह सेस पेट्रोल पर लगाएगी। लेकिन सरकार का कहना है कि इससे प्राइस महंगा नहीं होगा पेट्रोल डीजल का, क्योंकि साथ ही साथ सरकार कुछ और ड्यूटीज को कम कर देगी, तो ओवरऑल प्राइस में कोई असर नहीं आएगा इससे। लेकिन बाकी कुछ चीजें हैं दोस्तों जिन पर यह सेस लगेगा दोस्तों, जैसे कि एप्पल्स 35% सेस, पीस काबुली चना 30%, लेंटिल्स दाल 20% सेस लगेगा, चिक पीस 50%, स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया इन पर 5% सेस लगेगा अब एक्स्ट्रा, क्रूड सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल 20% एक्स्ट्रा सेस, कॉटन 5% एक्स्ट्रा सेस, इनफैक्ट कॉटन पर अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। तो इसके अलावा सेलफोन्स शायद महंगे हो जाएंगे क्योंकि मोबाइल पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर 2.5% से कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। आपके एयर कंडीशनर, फ्रिजेस, ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर यानी गाड़ियों के पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर अब 15% कर दी गई है, तो वो चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। सोलर इन्वर्टर्स पर भी ड्यूटी बढ़ाकर 5-20% कर दी गई है, सोलर लैंटर्न्स पर 5-15% कर दी गई है। एक तरफ इनकी आर्ग्यूमेंट है कि हम ये ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ताकि लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें, हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेंगे इसको ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर। लेकिन इसके दूसरी तरफ की आर्ग्यूमेंट ये है दोस्तों कि अगर आप सोलर इन्वर्टर जैसी चीजों को महंगा बना दोगे जान पूछ कर, और इंडिया में ज्यादा अच्छे सोलर इन्वर्टर्स नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली आप प्रमोट कर रहे हो कि लोग रिन्यूएबल एनर्जी को ना यूज करें, और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी। सिमिलर आर्ग्यूमेंट यूज किया जा सकता है इंपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जिन पर ये सेस लगाया गया है, जैसे कि एप्पल्स और चने और ये दाल। लेकिन इसके अलावा सस्ता क्या होगा, नायलॉन के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे दोस्तों, आयरन, कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और जूते सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन चीजों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। अब हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो सरकार का दावा है कि इन्होंने हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग डबल कर दी है टू 2.2 लाख करोड़ रुपीज। इसमें से 35,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए।
इसके अलावा एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिस पर 64,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे अगले 6 सालों में देश भर के हेल्थ केयर सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने के लिए। कई सरकार के लोगों ने क्लेम किया कि 137% से इंक्रीज आ गया है हेल्थ केयर के बजट में, लेकिन इस पर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ने कहा है कि ये मिसलीडिंग फिगर है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि दोस्तों पहली चीज तो ये 2.2 लाख करोड़ में से जो 64,000 करोड़ रुपीज इस नई स्कीम के लिए लाए गए हैं, ये एक साल के अंदर स्पेंड नहीं किए जाएंगे, बल्कि अगले 6 सालों में स्प्रेड आउट करके स्पेंड किए जाएंगे। दूसरी चीज, चिदंबरम जी का कहना है कि ये जो 35,000 करोड़ रुपीज की वैक्सीनेशन की कॉस्ट है, ये एक वन टाइम कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने हेल्थ केयर का बजट हर साल के लिए बढ़ा दिया है। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी क्लेम किया है कि सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन की एलोकेशन को भी इस हेल्थ केयर के बजट में काउंट कर लिया है। तो चिदंबरम जी के हिसाब से रियलिटी में 72,900 करोड़ रुपीज का बजट बढ़कर इस साल 79,600 करोड़ रुपीस होएगा हेल्थ केयर का, तो थोड़ा सा इंक्रीज आया है जो कि अच्छी चीज है, लेकिन इतना बड़ा इंक्रीज नहीं आया है। किसानों के लिए सरकार ने अश्योरेंस दी है कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगा एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट, स्पेशली इस टाइम पर जब फार्मर प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि इस प्रॉमिस में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, इस प्रॉमिस से ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले फार्म बिल्स वाले वीडियोस में बताया है, फार्मर प्रोटेस्ट वाले वीडियोस में बताया है कि एमएसपी कितने कम किसानों को देश में एक्चुअली में मिल पाता है। तो यहां पर प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एमएसपी के बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा अगर हम गिग वर्कर्स, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें, तो इन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने पहली बार फैसला लिया है एक पोर्टल लॉन्च करने का, जो कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा गिग वर्कर्स और इन सारे वर्कर्स के बारे में। ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप गिग वर्कर्स को नहीं जानते, ये बेसिकली वो लोग हैं दोस्तों जो ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनीज में काम करते हैं, डिलीवरी की सर्विसेज करते हैं, टैक्सी सर्विसेज चलाते हैं। ये लोग जो हैं, ये सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है। इनकी कमाई होती है एक काम के बेसिस पर, एक डिलीवरी यहां से यहां करी तो उसके बेसिस पे पैसे मिलेंगे, एक टैक्सी सर्विस यहां से यहां चलाई तो वहां पर पैसे मिलेंगे। तो सैलरीड ना होना और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एम्प्लॉयड ना होना, इसके कई नुकसान है। इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, इंश्योरेंस और पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। अब सरकार ने इन जॉब्स को और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने का फैसला लिया। ना सिर्फ ये गिग वर्कर की जॉब्स, बल्कि बिल्डिंग वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, इसकी मदद से इन्हें अब हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स, हाउसिंग की स्कीम्स, क्रेडिट स्कीम्स, फूड स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाएगा। तो ये मेरी राय में एक बहुत ही अच्छी खबर है इन करोड़ों लोगों के लिए, और साथ ही साथ इन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड का भी बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पर, जो कि है प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने इस बजट में बड़ा क्लियरली अपना इंटेंशन दिखा दिया है कि वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। अगर किसी को अभी तक डाउट था कि सरकार ज्यादा प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका बेसिकली मतलब है दोस्तों जो सरकारी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी प्राइवेट कंपनीज को बेचा जाएगा। एक पीएसयू सरकारी कंपनी तब बनता है जब सरकार का स्टेक उसमें 50% से ज्यादा होता है, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी का 50% से ज्यादा स्टेक होगा तो मान लो वो प्राइवेटाइज हो गया है, सरकार ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया है। सरकार ने इसे कहा है डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल, जिसमें कई सरकारी कंपनीज पीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, मतलब जितनी सरकारी कंपनीज आप सोच सकते हो, सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर सरकार ने प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया है। आज नहीं तो कल इन सारी कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब प्राइवेटाइजेशन एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ कई लोग मानते हैं कि यह करना एक अच्छी चीज है, सरकार अगर कंपनीज को प्राइवेटाइज करेगी तो कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये कंपनी ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएंगी, ज्यादा सक्सेसफुल होंगी एज कंपेयर टू सरकारी कंट्रोल में। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि प्राइवेटाइज करने का मतलब है बड़े बड़े क्रॉनी कैपिटलिस्ट को अपनी कंपनीज बेच देना, सरकारी एसेट्स को प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे देना, जो कि अच्छी चीज नहीं है। पर्सनली यहां पर मेरा मानना है कि प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, तो मैं किसी फ्यूचर के वीडियो में इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। इसमें मैं अभी इस टॉपिक में नहीं घुसना चाहता कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज है या गलत चीज है, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन कर पाना भी कितना सक्सेसफुल होता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एयर इंडिया का एग्जांपल लो तो सरकार पिछले 3 सालों से इसे बेचने की कोशिश कर रही है। ये ऐसे डिसीजंस होते हैं दोस्तों जिनको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर अदला बदली करती रहती हैं। जैसे कि सरकार ने अभी फैसला लिया है इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का फ्रॉम 49% टू 74%, लेकिन 2013 में बीजेपी ने बड़े स्ट्रांगली इस पर अपनी राय जताई थी और कहा था कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को कभी भी 49% के ऊपर नहीं जाने देंगे।
लेकिन अब आज के दिन वो ऐसा खुद करने लग रहे हैं। नेक्स्ट, बिजनेसेस और स्टार्टअप्स की बात करें तो दोस्तों इनके लिए भी कई अच्छी खबरें हैं। जैसे कि सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे होता है उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं बाय चार्टेड अकाउंटेंट। अभी तक ये रूल था, अब सरकार ने लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया। तो इस रेंज में जो कंपनीज आती हैं उनके लिए काफी फायदा है, काफी कम हेडेक है, कम झंझट उठाना पड़ेगा उन्हें। ऐसा कहा जा रहा है कि स्मॉल बिजनेसेस की डेफिनेशन भी बदली जाएगी। अभी तक ऐसा होता था कि जिन कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक का है वो स्मॉल बिजनेसेस कहलाते थे, स्मॉल कंपनीज कहलाती थी, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 20 करोड़ तक करी जा रही है। स्मॉल बिजनेसेस को वैसे कई फायदे मिलते हैं ऑडिटिंग में, और कई जो ब्यूरोक्रेसी होती है, पेपर वर्क होता है, वो उन्हें कम करना पड़ता है, तो फिर से ये फायदा है बिजनेसेस के लिए। जो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स रन किए जाते हैं ट्रस्ट के द्वारा, अभी तक ऐसा था कि उन्हें टैक्स नहीं भरना था अप टू 1 करोड़, लेकिन अब सरकार ने लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दिया। स्टार्टअप्स को और इंसेंटिव्स देने के लिए सरकार ने टैक्स हॉलिडे क्लेम करने की एलिजिबिलिटी भी बढ़ा दी है 1 साल और 31 मार्च 2022 तक। आप में से जो लोग नहीं जानते, टैक्स हॉलिडे वो समय होता है एक स्टार्टअप के लिए जब उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यूजुअली ये शुरू का समय होता है जब इनिशियल स्टेज में बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, तो सरकार स्कीम्स लाती है उन्हें प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स को कि इतने समय तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो इसे टैक्स हॉलिडे कहा जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे और डिसीजंस लिए गए हैं स्टार्टअप्स और बिजनेसेस की मदद करने के लिए, और कह सकते हो ये एक कारण है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिए। बजट के रिलीज होने के बाद ऊपर ही ऊपर जाता गया स्टॉक मार्केट। इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव और यूनिक चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मेरे को अपनी पर्सनल राय में लगी इस नए बजट में। पहली चीज, सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया ताकि प्रमोट किया जा सके हाइड्रोजन पावर को। ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का। सरकार ने साथ ही साथ 1,500 करोड़ रुपीज भी एलोकेट किए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। दूसरी चीज, सरकार ने फैसला लिया एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क एस्टेब्लिश करने का तमिलनाडु में, जो कि सीवीड फार्मिंग और कल्टीवेशन को प्रमोट करेगा। एक बहुत ही शानदार चीज है ये मेरी राय में दोस्तों, क्योंकि सीवीड एक ऐसा रिसोर्स है जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में मदद कर सकता है। ये ना सिर्फ एक खाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जो इंसान खाते हैं, सुशी के बाहर लगा होता है, बल्कि लाइफ स्टॉक की फीडिंग के लिए भी, जानवरों को खिलाने के लिए भी, फर्टिलाइजर की तरह भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इनफैक्ट ओशन एसिडिफिकेशन को भी ये रिवर्स करने में मदद करता है। क्लाइमेट चेंज का तो फायदा मैंने बताया ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है अगर बहुत से सीवीड के फार्म्स उगे हुए हैं तो, और साथ ही साथ इसे रिसाइकलेबल प्लास्टिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ये वंडर मटेरियल की तरह समझ लो, एक सीवीड के इतने सारे फायदे होते हैं। अभी तक हम इसमें फार्मिंग नहीं करके मेरी राय में दोस्तों बहुत सारा पोटेंशियल लूज कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है जिसके इतने सारे फायदे दिखते हैं। तीसरी चीज, सरकार ने एक डीप सी मिशन के लिए, यानी एक ऐसा मिशन जो समुद्र की गहराइयों में जाकर रिसर्च करेगा, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं अगले 5 साल के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि एक ऐसी चीज है जो सरकार ने 2018 में अनाउंस करी थी और अब जाकर इस चीज पर एक्शन लिया गया है। एक्चुअली ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं दोस्तों जो सरकार ने पिछले कई बजट्स में अनाउंस करी हैं। बहुत हल्ला मचाया जाता है, हेडलाइंस में देखने को मिलता है कि सरकार ये प्रॉमिस कर रही है इतने पैसे यहां लगाए जाएंगे, लेकिन कुछ साल बाद देखा जाता है वहां पर इंप्लीमेंटेशन कितनी हुई है उन स्कीम्स की, तो कुछ नहीं मिलता वहां पर। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है 2015 की वो 100 स्मार्ट सिटीज की स्कीम। यही रीजन है दोस्तों कि इस वीडियो में मैं ज्यादा स्कीम्स और प्रोमिसेस पर फोकस नहीं कर रहा हूं कि जहां पर सरकार ने कहा हम इतने पैसे स्पेंड करेंगे और ये बना डालेंगे वहां पर। मैं सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूं जो मुझे यूनिक और अच्छी लगती हैं, और उन चीजों की बात कर रहा हूं जो आपको कंसर्न करती हैं, एक आम आदमी को, बिजनेसेस को, किसानों को और मजदूरों को। एक चौथी इनोवेटिव चीज जो मुझे लगी दोस्तों वो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इस नए बजट में अनाउंस करी गई है पुरानी गाड़ियों को फेज आउट करने की पॉलिसी। हम सब जानते हैं कि देश भर में कितनी ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जिन पर कोई पोल्यूशन चेक नहीं कराया जाता, जो कितना पोल्यूशन फैलाती हैं, उनमें कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, जंक बन गए हैं, और ऊपर से लोगों के पास कोई एक जरिया नहीं है पुरानी गाड़ियों के साथ किया क्या जाए। तो हालांकि सरकार की नई पॉलिसी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हर गाड़ी को एक फिटनेस टेस्ट करवाना होगा ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स में हर 20 साल में पर्सनल व्हीकल्स के लिए, और हर 15 साल में कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। और पुरानी गाड़ियों को रिसाइकल करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा लोगों को अलेजेडली, जिससे कि लोग जाकर खुद अपनी पुरानी गाड़ी डिपॉजिट करवाएं और उसके बदले इंसेंटिव ले जाएं
ये बेनिफिट मिल रहा है आपको अगर आप नई गाड़ी खरीदोगे तो, जिसमें बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और होपफुली जो नई गाड़ियां लोग खरीदेंगे इस स्कीम के आने के बाद वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। इसी रीजन से दोस्तों ऑटो कंपनीज के भी जो शेयर्स थे शेयर मार्केट में वो भी ऊपर चले गए इस बजट आने के। एज कंक्लूजन कहा जाए दोस्तों तो मैं कहूंगा यहां पर इस नए बजट में ज्यादा कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए थे प्राइवेटाइजेशन को छोड़कर, छोटे छोटे डिसीजंस लिए गए थे यहां पर, इससे ज्यादा असर नहीं पड़ता किसी भी चीज पर। लेकिन ज्यादा बड़े डिसीजंस ना होना इसका मतलब यह भी है कि कोई ज्यादा बड़ी बुरी खबर ना होना, और अगर बुरी खबर नहीं है तो इसे एक अच्छी खबर ही समझ सकते हो। वो कहते हैं ना कि अक्सर जो बेस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिटिशियंस वो होते हैं जब आपको उनके टर्म में लगे कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, 5 साल गुजर गए और आपको पता ही नहीं चला उन पॉलिटिशियंस ने क्या किया, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, वो बेस्ट पॉलिटिशियंस निकलते हैं। ऐसा अक्सर ओबामा के बारे में कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में जब आपको आम जिंदगी में असर दिखता है किसी पॉलिटिशियन के डिसीजन का तो वो मोर ऑफन देन नॉट नेगेटिव ही होता है, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं। तो अगर उस एस्पेक्ट से सोचोगे इस बजट ने ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं किया तो ये एक अच्छी खबर ही समझो। यहां पर आपकी क्या राय है दोस्तों आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।